खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News30 Express। झांसी जिले के मोड़ तहसील क्षेत्र से ग्राम प्रधान पर अवैध रूप से कब्जा कर सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए मोड़ तहसील में पीड़ित युवक ने लिखित रूप से शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाली मोड़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुड़ावली निवासी ज्ञान सिंह पुत्र विजय सिंह, ब्रजेंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह ने तहसीलदार मोड़ डॉक्टर लाल कृष्ण को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 14 मार्च सोमवार को ग्राम प्रधान के पति उनकी भूमिधरी नंबर 318 रकवा 0041 व गाटा संख्या 320 रकवा 0737 जो तहसील अंतर्गत बुड़ावली मोजे पर है, उस पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए भूमिधरी जमीन पर जबरन ताकत के बल पर सड़क बनवा रहे हैं। प्रार्थी ने बताया कि जब सड़क बनाने से उसने मना किया तो उक्त लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए। धमकी दी है कि बलपूर्वक तुम्हारी जमीन पर सड़क बनवा दी जाएगी। बताया कि इस कारण से अभी भी शांति भंग होने की संभावना बनी है। पीड़ित ने बताया कि लेखपाल ने उक्त लोगों को बताया भी है कि भूमिधरी रकवा में सड़क नहीं है। इस संबंध में प्रार्थियों ने सड़क बनने के काम पर रोक लगाने की मांग की है। News30 Express TV के लिए मनोज निराला के साथ निलेश NKD की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं और किस शिकायत को लेकर तहसील आए हैं? मेरा नाम रूपिंद रोमर, निवासी ग्राम बड़ावली का रहने वाला हूँ जी। हमारी निजी जमीन है, पैतृक हमारे पुरखों की भी है। वही जमीन पे पुराने मकान बने हुए हैं कच्चे, उन्हीं पे हमारा भाई पक्का मकान भी बना रहा है। तो ग्राम प्रधान का कहना है कि यहाँ पर सेक्टर डालेंगे हम, हमारी निजी ज़मीन में हो, जो कि मैंने थाना प्रभारी को भी एप्लीकेशन दे दी है और तहसील SDM साहब को भी दिया है मैं अभी एप्लीकेशन। लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि हम यहाँ से सेक्टर डालेंगे, जो भी प्रशासन करेगा तो कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और लेकिन हमारे यहाँ शाम को आए थे, गाली गलौज कर रहे थे ग्राम पंचायत बड़ावली के प्रधान, शाम को गाली गलौज कर रहे, बोले धमकी दे रहे थे कि बर्बाद कर देंगे तुमको, हम मार के फेंक देंगे, और गरियारे भाई पकड़ने लगे। फिर सूचना हम रात को ही गए, हम जो करीबन 9:30 बजे का टाइम था, हमने जाकर के थाने में सूचना भी दी है, एप्लीकेशन दिया है मुंशी जी को, जो बोले जो भी कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ से? नहीं, SDM से उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, नेपाल को बुलवा ले जाएंगे और नेपाल द्वारा तुम्हारी नाप करवा करके तुम्हें संतुष्टि दिलाई उन्होंने, और त्योहार बाद तुम्हारा निर्णय कर दिया जाएगा।